किसान भाइयों राम राम, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगलमय हो। हम इस समय है श्रीमती कृष्णा देवी कोल्ड स्टोरेज, मोहम्मदाबाद रोड, फरुखाबाद। आज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाला अपडेट आप तक पहुंचता रहे। किसान साथियों, कल मैंने अपडेट दिया था, दो सौ इक्यासी 85 का 285 बोलो भाई, अंकित 285 91 लिखो 91 जिस की भाई लिखो बोल लो 95 लिखो वो नहीं लिखो अपनी नहीं बोली है भाई, सारा जल्दी चले जाओ। 95 1 रुपया का ना यार, बहुत देर 1 रुपया का, चलो 1 रुपया का, 1 रुपया 300 का, 301 305 11 का, 311 चले जाओ, 15 चलो, 321 325 चलो भैया देखो 325 कहाँ है देखो भाई किसान साथियों, 325 रुपये प्रति पैकेट के भाव से ये बिका है। और ये पैकेट जो था जाली में था, आलू चेचक भी है कुछ, मैं आपको दिखाऊं इस तरफ देखिए, और घूरे की चित्ती भी है साथ के अंदर। आलू का रंग अच्छा है लेकिन चित्ती और चेचक की शिकायत है थोड़ी बहुत। 325 रुपये विद भाड़ा 53 किलो से। ये देखो ऐसे हरे टाइप के जो आलू हैं, ये देखिए भाई हमारे प्यारे किसान साथियों, ख्याति आलू है। आलू के अंदर रफ़ी बहुत ज़्यादा है और चेचक की भी शिकायत है और कट पीस की भी शिकायत है इसके अंदर। और ये जो लाट थी वो प्लास्टिक की जाली में जाट लाट थी और भाड़ा सही बिक्री हुएगी। एक ये बैल आपको दिखा दूँ, 375 रुपये में ये बिका है। ये आलू भाई ख्याति आलू है, मोटे साइज का आलू है और अच्छी चमक का आलू है भाई। 375 रुपये प्रति पैकेट विद भाड़ा। और ये जो लाट थी वो थी जूट के बोरे में। किनका था ये आलू? तुम्हारा था? किस गांव से हो? कितने पैकेट की लाट थी ये? 96 375 बिका, 375 रुपये विद भाड़ा। 321 किसान साथियों, बिक्री हो रही है एक और लाट की। कौन सा पैसा लगा था? देख ले, अच्छा पैसा लगा था। कौन सा पैसा लगा था? कितना पैसा लगा था? दिखा बोलो। 321 15 रुपये उधार में जाता है भाई। 321 और कोई बोलो दादा, कहां है ये किसान है, इन्होंने मना कर दिया भाई। ऊपर चार साथ कितने ऊपर बताओ तो ₹451 बता रहे हैं भाई, ये किसान है बिल्कुल सही बात कही। 451 रुपये में नहीं बिकेगा तो भाई इनका कैसे पड़ता आ पाएगा, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा लगती है आलू के अंदर। किसान है, किसान की चीज है और बहुत अच्छे साइज का आलू है। किसान ने 321 रुपये मांगा गया व्यापारी द्वारा लेकिन नहीं दिखा। कितने दिन पहले आए?
नहीं भेजा भैया। हाँ भैया आलू क्यों नहीं भेजो? किस रेट मांगा गया था पिछली बार? कुछ सौदा करी थी क्या आलू की? क्या रेट मांगा जा रहा था? 425 मांगा जा रहा था और आपने दिया नहीं था, और आज हो गया 321। आप मांग रहे हैं 450 रुपए। हाँ देखिए भाई, ये स्थिति हो रही है इस समय आलू की। जो आलू अच्छे आलू 450-450 रुपए मांगे जा रहे थे हफ्ता दो हफ्ता पहले, वो इस समय अब मांगे जा रहे हैं 350। ₹25 35 36 36 37 38 40 हेलो भैया ही नहीं चालीस ये देखिए भाई हमारे पैर के दांत जाते हैं। 341 रुपए प्रति पैकेट के भाव से ये आलू बिका है, ख्याति आलू है। और ये जो लाट थी वो जाली कलर थी, विद बड़ा अच्छे कलर का अच्छे साइज का आलू है। 341 रुपए। एक और लाट की बिक्री हो रही है यहाँ पर 47 47 47 51। ये देखो भाई किसान साथियों, ख्याति आलू है, अच्छे साइज का अच्छे कलर का, 351 रुपए प्रति पैकेट के भाव से बिका है। और ये जो लाड जो थी जाली के अंदर थी, करीब करीब 180-181 पैकेट की लाड थी ये, 351 रुपए प्रति पैकेट विद कोल्ड भाड़ा 53 किलो से। ख्याति आलू है, देखो भाई ये 105 पैकेट की लाट है जूट के अंदर। जीवारी लाट जो है 105 की है, 231 पैकेट है जी, 231 पैकेट है। ये देखो भाई किसान साथियों, छिलता छिलाता आलू है ख्याति, 301 रुपए व्यापारी द्वारा मांगा गया है। चटके की शिकायत है इसके अंदर, और देखो इस तरीके से डग्गा साइज भी है, कुछ चेचक की भी शिकायत है। 301 रुपए प्रति पैकेट विद कोल्ड भाड़ा 53 किलो से। भाई किसान भाइयों, हम इस समय हैं बालाजी कोल्ड स्टोरेज सातनपुर मंडी के ठीक सामने फरुखाबाद। आज 19 अगस्त 2023 दिन शनिवार। देखो भाई इधर कटा हुआ है न्यू हॉलैंड आलू है, साइज देख सकते हैं आप, अच्छे साइज का आलू है न्यू हॉलैंड। तो किसान भाई ये बिक्री जो थी वो कल हुई थी 591 रुपए प्रति पैकेट के भाव से, और भाड़ा जो है किसान को देना होगा 591 रुपए प्रति पैकेट। और इधर कट रहा है बीजा पुखराज का, क्योंकि ग्वालियर वाले जो हैं वो आ चुके हैं हमारे फरुखाबाद में और कोल्डो का वेट कर रहे हैं और सौदे भी कर रहे हैं भाई। तो इधर कट रहा है पुखराज का बीजा भाई।
अच्छा इन्होंने दिया इन्हें लिया। अच्छा इधर व्यापारी हैं, लेते हैं कुछ जानकारी। शुभ नाम बता देना अपना। कहाँ से हो आप? जमापुर जदू। जमापुर जदू। जदू आपने ये लिया बीजा? नहीं मेरा बीज है ये, मेरा आलू। अच्छा 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 अच्छा, तो आप किसान हो है? अच्छा कितने पैकेट की सौदा करी है? ये 48 किलाट है और 58 किलाट है। 48 और 58 उगराज का बीजा है ना ये? उगराज का है। तो क्या रेट बिका ये बीजा तुम्हारा? ये 1400 बिका है, 1475 तक का रेट खुला है। 1475 तक का रेट खुला और तुम्हारा बीजा बिका 1431। तो भाव ठीक खुला है या कुछ कम ज़्यादा है क्या है? देखो छट्टा देखे तो ठीक है, छट्टा की स्थिति ज़्यादा ख़राब है। जी हाँ जी हाँ हाँ, इसलिए ठीक मालूम पड़ता है, इसलिए ठीक मालूम पड़ता है। छट्टा भाई साढ़े कुछ नहीं, लागत देखे तो इसमें भी नुकसान है काफ़ी। हाँ हाँ, लेकिन छट्टा ज़्यादा डाउन इसलिए इसमें क्या है। तो 1431 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। क्विंटल हाँ, देखिए भाई इनका 1431 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका है आज इनका बीजा। भाई आप कहाँ से हो भैया? जौनापुर खंडेला। अच्छा क्या आज की सौदा तो करी नहीं करी आज? क्या बीजा इधर बेचने आए या छट्टा? छट्टा। क्या कुछ भाव बताओ, भाव बताओगे गोल्ड वाले? सूखो आलू 700 रुपया क्विंटल इनका बिक रहा है, ये बेच रहे हैं। अच्छा सूखा बेच रहा, सूखा बेचना नहीं चाह रहे, गीला बेचना चाह रहे होंगे पैकेट के हिसाब से? नहीं पैकेट अब तो खुल चुका है जी, पैकेट की नौकरी आ रही है, पैकेट के हिसाब से बिक्री है ना है। हाँ क्विंटल के हिसाब से बिक्री है, कोल्ड में गीला बिक्री है ना। ठीक भाई, देखते हैं किसी और किसान का लेते हैं अपडेट और किसी और कोल्ड में चलते हैं, लेते हैं कुछ जानकारी और।